हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम रिवर क्या होती है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम को बोलते हैं रिवर्स। इसके अंदर हम इंडिया की रिवर्स देखेंगे। जो रिवर्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इसके एडवांटेज देखते हैं कि इसका सोर्स क्या क्या है, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें इसका यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए इसका वास्ट एरिया पे यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ होता है। तो ये इस जो रिवर है वो हमारे लिए बहुत काम की होती है, इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं। फर्टाइल एरिया बनाती है रिवर, कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिवर अपने साथ जो होती है ये जो फर्टाइल एरिया के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अपने साथ बहा के ले जाती है, और जैसे वो अपने भाग के ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्टाइल एरिया, यहाँ से रिवर गुजरेगी तो अपने साथ अपने सेडिमेंट्स लेके जाएगी, तो वो डिपोजिशन यहाँ का यहाँ हो जाता है, डिपोजिशन ऐसे बिखराव हो जाता है। और इस तरीके से एक रिवर जो होती है वो प्लेन एरिया भी बनाती है, मैदानी भाग जो होते हैं तो रिवर इसमें भी काम आती है। रिवर अपने साथ जब सेडिमेंट्स लेके जाती है, सैंड प्लस स्टोन, सैंड भी लेके आती है और स्टोन भी लेके आती है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बन सकते हैं। और हमें रिवर से क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि रिवर से जैसे कि हमें एडिबल फूड्स मिलते हैं, जैसे कि फिश होती है, एक्वाटिक एनिमल्स हमारे काम आते हैं, तो रिवर से हमें वो भी बहुत कुछ हेल्प मिलती है। लेकिन रिवर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि लार्जेस्ट डैम बना रखे हैं, डैम बनाने से पानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने पानी से बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो वो डैम इतने बड़े बड़े डैम बना रखे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है उनका। वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड जितने भी सीवेज वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट कई बार नहरों में डायरेक्ट नदियों में डायरेक्ट बहा दिए जाते हैं, सीवेज का जो कचरा होता है जितना भी होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन देखा जाता है, प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा है नहरों में, नदियों में, हर जगह, कि ये जो डिमांड होती है, डिमांड ऑक्सीजन डीओ का अमाउंट वाटर के अंदर कम कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो मर ही जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और प्लास्टिक पोल्यूशन में एक नदी का रिवर का नेम आता है जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन का ढोती है, वो है यांगसी रिवर, और ये यांगसी रिवर है चाइना की, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ले जाने वाली रिवर है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल से जितना भी वेस्ट निकलता है, जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकलता है वो ऑलमोस्ट जितना वेस्ट होता है वो सारा एसिडिक इन नेचर होता है, और उसको डायरेक्टली किस में बहा दिया जाता है, नहरों में, नदियों में बहा दिया जाता है विदाउट उसको न्यूट्रलाइज किए बिना, जिसकी वजह से वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या फिर आसपास के जो भी लोग होते हैं वहाँ पे अपने उससे पानी से ख़राब हो जाता है सब कुछ। लोग आसपास के लोग जैसे कि बहुत सारे नदियों में काम करते हैं, उनका पानी वगैरह, नहाना धोना, कपड़े धोना, उसकी वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा पानी ख़राब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नदियों के लेके डिस्प्यूट होते हैं। एक तो स्टेट के अंदर स्टेट डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट भी नदियों के दो टाइप में हमने करेंगे, जैसे कि एक तो होता है स्टेट टू स्टेट, कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो दो तीन चार स्टेट से होकर गुजरती है, और एक होता है वर्ल्ड लेवल पे, यानी स्टेट टू स्टेट होने के बाद होता है कंट्री टू कंट्री। जो स्टेट टू स्टेट होता है इसके डिस्प्यूट कौन सोल्व करेगा, ये जो काम होता है ये होता है इंटर स्टेट वाला, और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुलझाएगी, इसके अपने हक में फैसले देती है। जबकि जो कंट्री टू कंट्री होता है इसका कौन करता है, इसका वर्ल्ड बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है। एक एक्ट आया था IRWDA, जिसका मीनिंग बनता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट वाटर एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट, और ये 1956 में बना था, 1956 में। इसमें एक पैनल बनाया जाता है और पैनल में होते हैं सिक्स मेंबर होते हैं, और उन सिक्स मेंबर ने जो भी फैसला दे दिया उसका रिव्यू नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में, उसका फाइनल फैसला माना जाता है। और कंट्री टू कंट्री में देखिए तो वर्ल्ड बैंक होता है, जैसे कि डिस्प्यूट हुआ था इंडस रिवर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को सोल्व किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ऊपर की टोटल छः नदियाँ थी, ऊपर की और नीचे की नदियों को कर दिया था, जो ऊपर की तीन नदियाँ थी
जो कि इंडस, झेलम और चिनाब, वो तो पाकिस्तान के हक में की गई। इंडस, झेलम और चिनाब, और जो नीचे की तीन थी वो इंडिया के हक में कर दी गई, सतलुज, व्यास और रावी। सतलुज, व्यास और रावी, ये इंडिया के हक में, और वो उनका यूज़ करेगी पाकिस्तान। ये जजमेंट दिया था इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन रिवर को दो रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। एक तो होती है हिमालयन रिवर और यहाँ पर होगी पेनिसुला रिवर। पेनिसुला का मीनिंग क्या होता है कि एक लैंड का एक ऐसा एरिया जो ऑलमोस्ट सराउंडेड हो सी या ओशन या वाटर बॉडी से, ऑलमोस्ट सराउंडेड हो वाटर बॉडी से, जैसे कि यहाँ पर अरेबियन सी होता है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल होता है, तो ये पेनिनसुला हो गया, इंडियन पेनिनसुला। हिमालयन रिवर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो ग्लेशियर होता है। अगर ये ग्लेशियर होता है, ये टाइप ऑफ रिवर, तो इससे जितनी भी रिवर निकलेगी वो किस टाइप की निकलेगी, वो टाइप होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मीनिंग होता है सदाबहार, यानी इन नदियों में हर टाइम पानी रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर जो होता है वो हर टाइम हर मौसम में पिघलता है। फिर उसका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन हमेशा नदियों में पानी बना ही रहता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि गंगा इंडस, गंगा सिंधु यानी इंडस, और एक है ब्रह्मपुत्र, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जबकि पेनिनसुला के देखें इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है हिल, हिल्स पे जो रेन होती है, जो उसका रेन वाटर होता है वो होता है। अब रेन क्या होती है, रेन होती है सीजनल। अगर रेन सीजनल, तो जो इस टाइप ऑफ रिवर होता है वो भी क्या होता है, सीजनल होता है, यानी हर टाइम इनके अंदर पानी नहीं रहता, ये सीजनल होती है। और अगर ये सीजनल होती है तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इस नदी, इस पेनिनसुला रिवर्स को भी दो टाइप में अगर हम देखें, तो एक जैसे कि दो इसके पार्ट्स है, जैसे कि अरेबियन, अरेबियन साइड वाले में कुछ नदी अरेबियन वाले में और कुछ बे ऑफ बंगाल वाले में। तो अरेबियन नदी में आती है जैसे कि नर्मदा ताप्ती, माही, लूनी नदी और साबरमती, ये आती है अरेबियन में, जो अरेबियन की तरफ गिरेंगी, यानी ये ऐसे होगा तो इस साइड की रिवर्स। और बे ऑफ बंगाल की अगर हम देखें तो इसके अंदर दामोदर आ जाएगी, दामोदर हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा होगी, गोदावरी हो गई, कृष्णा गोदावरी, मंडोबी, ये रिवर्स आती है इसके अंदर। दूसरा जो रिवर होती है वो एक प्लेन एरिया बनाती है, प्लेन एरिया यानी वो मैदान बनाती है। कैसे बनाती है, फर्टाइल एरिया को, जहाँ कर भी फर्टाइल एरिया होगा, अगर यहाँ से नदी बहेगी तो अपने साथ उस फर्टिलिटी, जो भी सेडिमेंट्स होंगे वो अपने साथ बहा के ले जाती है और फिर पूरे एरिया में बिखराव कर देती है। इस तरीके से क्या बन जाता है, एक फर्टाइल एरिया भी बनता है नदियों के थ्रू। अब फर्टाइल एरिया बनाती है रिवर, रिवर के अंदर जो पानी होता है उससे बनाती है फर्टाइल। तो हिमालयन रिवर हमने देखी, हिमालयन रिवर, और दूसरी तरफ देखी हमने पेनिनसुला रिवर। जिस नदी में जितना ज़्यादा पानी होगा या जितने समय तक पानी होगा वो उतनी ही ज़्यादा प्लेन एरिया बनाएगी, यानी हिमालयन रिवर जो होती है वो ज़्यादा प्लेन एरिया बनाती है, पेनिनसुला रिवर इतना जो प्लेन एरिया नहीं बना पाती। इसका रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर इतना पानी ही नहीं होता सारी साल वो, क्योंकि वो सीजनल होती है। इसके बाद में दो टर्म आती है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर हम देखें कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब एक नदी का एंड, वैन ए रिवर एंड इन अदर अनदर रिवर, जब एक नदी का एंड दूसरी नदी में हो जाए, जैसे कि यहाँ एक कोई नदी चल रही है, इसके अंदर ये वाली रिवर आके एंड हो जाए और ये फिर आगे चलती ही रहे, तो ये जो रिवर होती है वो इसकी क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरी कहलाती है, मेजर रिवर की, ये तो ट्रिब्यूटरी। लेकिन जब कोई रिवर चल रही है और वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अपने आप को ही बट जाए, अलग अलग धाराओं में बिखर जाए, तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ट्रिब्यूटरी आई मेजर रिवर में और मेजर रिवर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऐसे प्लेन एरिया जो बना लेती है। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में यही होता है कि ट्रिब्यूटरी जो होती है जब एक रिवर दूसरी रिवर में एंड हो जाए, वेन ए रिवर एंड इन अनदर रिवर,
वो होती है ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? व्हेन रिवर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स या फिर ब्रांचेस, व्हेन रिवर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स या फिर ब्रांचेस में जो रिवर बट जाए वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद में एक आता है एस्चुरी और एक होता है डेल्टा, जैसे कि ये एक प्लेस है और यहाँ से ये एक है, यहाँ से नदी आ रही है, नदी के साथ वही जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नदी अपने फर्टिलिटी में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लेके चलती है, तो कुछ सेडिमेंट्स यहाँ रुक जाएंगे, जैसे ये आगे चली कुछ यहाँ रुक जाएंगे, ये कुछ सेडिमेंट्स यहाँ, कुछ यहाँ रुक जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे, नदी आगे चलती जा रही है, तो उसके अंदर एक बैलेंस सा बना रहता है। तो नदी यहाँ जब गिरेगी तो उसके पास इतने सेडिमेंट्स नहीं रहेंगे, एक तरफ यहाँ देखें, यहाँ सेडिमेंट्स, यहाँ सेडिमेंट्स, यहाँ यहाँ यहाँ, जब रिवर का एंड होना होगा तो ऐसा होगा कि इतने सारे सेडिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहीं हो जाएगा। और जब भी किसी रिवर में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन उसके एंड होने से पहले ही हो जाए, यानी अभी रिवर एंड नहीं हुई, इसको आगे जाना है लेकिन इसके सेडिमेंट्स पहले ही डिपॉजिट हो गए, वो होता है डेल्टा। वो जो एरिया बनता है उसका सेडिमेंट्स के थ्रू, वही होता है डेल्टा। जैसे कि इसके अंदर आता है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि ऐसे ही बनता है। और ये जो बनते हैं, ये जो गड्ढे से बन जाते हैं जिसके अंदर सेडिमेंट्स भर से जाते हैं, उन्हें बोलते हैं रिफ्ट वैली। और ये अगर सीधा ही जा रही है तो इनका जो एंड होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है, बिल्कुल शार्प माउथ एंड होता है इनका, होता है शार्प माउथ एंड। तो ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इनके सेडिमेंट्स पहले ही डिपॉजिट हो चुके होते हैं, इनकी वेलोसिटी कम नहीं होती, वेलोसिटी कम नहीं होती तो बहुत तेज़ी से फ्लो करती हुई निकलती है, जबकि इनकी क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम होती है क्योंकि इनके अंदर इतना सारे सेडिमेंट्स होते हैं कि उनको डिपॉजिट ही होना पड़ता है, डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ, तो रिवर के एंड होने से पहले ही यहाँ पर एक एरिया सा बन जाता है फर्टाइल, यहाँ पर काफ़ी फर्टाइल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे इंडस रिवर, इंडस रिवर देखते हैं, एक ग्लेशियर है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, इसके अंदर तीन पॉइंट है, एक यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। इस पॉइंट का नाम है बोकारचू, बोकारचू ग्लेशियर, और ये जो पॉइंट है इसका नेम है मानसरोवर लेक, और जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा राक्कस ताल। बोकारचू ग्लेशियर, यहाँ एक कैलाश रेणी भी पड़ती है, कैलाश रेंज, यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, उस नदी का नाम होता है इंडस यानी सिंधु। मानसरोवर लेक से भी एक नदी निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्र, और राक्कस ताल से एक नदी निकलती है, वो है सतलुज। तो इन तीन नदियों के ओरिजिन पॉइंट क्या है? इंडस का ओरिजिन पॉइंट है बोकरचू कैलाश श्रेणी में जो पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र का है मानसरोवर लेक, और सतलुज का है राक्कस ताल, ये इनके हैं ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ बोकरचू हो जाएगा इंडस का, मानसरोवर लेक हो जाएगी ब्रह्मपुत्र का, और राक्कस ताल हो जाएगा सतलुज का। ये तीन नदियाँ इन तीन प्लेसेस से निकलती है, यानी ये इनका ओरिजिन हो गया। जो इंडस रिवर होती है वो कहाँ कहाँ फ्लो करती है? तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत तो है ही, उसके बाद में एंटर करती है इंडिया के अंदर, और उसके बाद एंटर करती है ये पाकिस्तान के अंदर। जब ये इंडिया में फ्लो करती है, जब ये इस ग्लेशियर से निकलती है, इस पॉइंट से, इंडस रिवर की बात है, तो यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पर एंटर और ये यहाँ पर एग्जिट। इस एंटरिंग पॉइंट और एग्जिटिंग पॉइंट का क्या नाम है? एंटरिंग पॉइंट का तो नाम है, हाँ ये जो एंटरिंग पॉइंट है इसका नेम क्या है? इसका नेम है दम चौक, और इसका एग्जिटिंग पार्ट जो कि पीओके वाले एरिया में पड़ता है इसका नाम है चिल्लास, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में। उसके बाद में ये कहाँ जाती है? उसके बाद ये पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में जब ये आती है तो पाकिस्तान के दो एरिया हमने देखने हैं, जैसे कि इंडिया में हमने दो देखे, दम चौक एंट्रिंग, चिल्लास एग्जिटिंग, जबकि ये कहाँ है? पीओके वाले एरिया में। ऐसे यहाँ एक अटोक, अटोक और मिथनकोट,
ये दो एरिया देखते हैं। अटोक में क्या होता है कि इंडस जो होती है ना, फ्लो ऑन सरफेस हो जाती है कहाँ पर, अटोक में। मिथनकोट में क्या होती है कि इंडस रिवर जब इसके अंदर आ रही होती है, ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ जब इंडस बहेगी तो यहाँ पर 5 ट्रिब्यूटरी आके मिलती है मिथनकोट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। तो 5 मेजर ट्रिब्यूटरी आकर मिल जाती है कहाँ पर, मिथनकोट के अंदर इंडस में। और उसके बाद में ये नदी कराची से होती हुई इसका एंड हो जाता है अरेबियन सी में। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के यहाँ इस पॉइंट से इंडिया आई। इंडिया में आने के बाद ये कहाँ चली गई, पाकिस्तान, और फिर इसका एंड हो गया अरेबियन सी के अंदर। उसके बाद में ये इंडस रिवर हो गया, ये जो है ये यहाँ पर, ये पाकिस्तान के साथ, ये यहाँ पर कराची में इसका आके अरेबियन सी में एंड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक, जैसे कि यहाँ पर हमने इंडस रिवर देखी, तो जम्मू कश्मीर का जो ये पार्ट है, इधर से ये इंडस रिवर आई और ये निकल जाती है। यहाँ पर श्रीनगर, ये पीओके हो गया, श्रीनगर है, श्रीनगर से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नेम है झेलम, झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है, ये यहाँ पर एक वुल्लर लेक पड़ेगी, वुल्लर लेक को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान के साथ यहाँ बॉर्डर बनाती हुई चलती है। और ये जो वेरीनाग झील से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ है, वेरीनाग झील से, वेरीनाग झील से, और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हुई पाकिस्तान के अंदर गिर जाती है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं कि ये रही झेलम, ये वुल्लर लेक हो गई, और ये ओरिजिनेट हुई, और ये यहाँ पर, ये पाकिस्तान के साथ इसने बॉर्डर बनाया और ये पाकिस्तान में फिर गिर जाती है। तो जो झेलम नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, श्रीनगर, श्रीनगर की वेरीनाग झील, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, पीओके, वुल्लर लेक, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, ये पीर पंजाल जो रेंज है उसको भी क्रॉस करती है। तो ये है झेलम के बारे में। झेलम जैसे यहाँ आगे बढ़े, यहाँ एक हिमाचल प्रदेश में एक पास पड़ता है, यानी एक दर्रा पड़ता है, जिसका नाम है बाड़ा लाचा पास। उसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर एक बाड़ा लाचा पास पड़ता है। यहाँ से दो स्ट्रीम निकलती है, उन दो स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, दो वाटर की स्ट्रीम निकलती है। दोनों वाटर की स्ट्रीम एक प्लेस पे जाके मिल जाती है, उस प्लेस का नाम होता है टंडे, ये इस प्लेस का नाम है। जब ये दोनों इसमें मिल जाते हैं तो यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, उसी नदी को बोलते हैं चेनाब रिवर। ये आ गई चेनाब रिवर, ठीक है। ये जो झेलम नदी है, ये आके जाके यहाँ चेनाब में मिल जाती है। और जब भी कोई नदी चेनाब में, जब भी कोई नदी किसी दूसरी नदी में मिल जाए, मेजर नदी में, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। यानी झेलम जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, चेनाब की। और झेलम और चेनाब जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम है झूंग। तो अगर हम देखें, झेलम और चेनाब जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो हो गया झूंग। एक नदी और है, यह है रावी नदी। इसके नीचे ही एक पास और है, रोहतांग पास। यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, वो है रावी नदी। ये रावी नदी भी ऐसे ऐसे चल के पंजाब से होती होती चिनाब के अंदर मिल जाती है। तो ऊपर से जो है कौन सी नदी आ रही है, झेलम नदी, और नीचे से कौन सी नदी आ रही है, रावी नदी, चिनाब के अंदर। यानी चिनाब की दो ट्रिब्यूटरी हो गई, एक तो होगी रावी नदी और एक होगी झेलम। ये दोनों ही मिलती है, ये मिलती है ऊपर से और ये मिलती है नीचे से, चिनाब के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि रोहतांग पास से एक नदी और निकलती है। यहाँ से एक नदी और निकलती है, उसका नाम होता है ब्यास। यहीं से एक ब्यास नदी भी निकलती है। तो जो रावी नदी होगी, सबसे पहले उसका अगर हम ओरिजिन देखें, तो ओरिजिन है इसका रोहतांग पास। रोहतांग पास से निकलती है और ये किसके अंदर मिल जाती है,
झेलम के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में ये देखते हैं कि ये मानसरोवर लेक सतलुज कहाँ से था। वो चेमाईडुंग ग्लेशियर बनाया था उसके अंदर सतलुज जो नीचे था, यानी मानसरोवर लेक से क्या निकलती है, सतलुज निकलती है। मानसरोवर लेक से सतलुज निकलती है, निकलने के बाद ये जो व्यास नदी थी, व्यास नदी कहाँ से थी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊपर तो कौन सा था, बाड़ा लाचा पास, और नीचे था रोहतांग पास। ऊपर से तो निकल जाती है रावी, और नीचे से कौन सी निकलती है, नीचे से निकलती है ब्यास, ब्यास नदी निकलती है। ये रहा रोहतांग पास, और इसके नीचे से हो गया ये बाड़ा लाचा पास है, और ये रोहतांग पास है। ऊपर बाड़ा लाचा पास आता है और नीचे रोहतांग पास आता है। ये जो सतलुज है, ये जब निकलती है मानसरोवर लेक से, ये रही सतलुज, और ये फिर देखो ये चिनाव में आके मिल जाती है। ये चिनाव में आके मिलते हैं, यानी सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, चिनाव से। इसका सतलुज का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है इसका मानसरोवर लेक। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, मानसरोवर लेक। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की, क्योंकि ये यहाँ के आके मिल गई, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये सतलुज है, ये यहाँ रावी नदी चेनाब के अंदर मिल रही है, ये चेनाब के ऊपर से झेलम आ रही है, नीचे से रावी आ रही है। झेलम का ये झूंग हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा चेनाब में रावी। इसके अंदर एक नदी और है व्यास नदी, ये व्यास नदी है। ये जो व्यास नदी है ये सतलुज में मिल जाती है। जब व्यास नदी सतलुज में मिलती है, तो व्यास और सतलुज मिलते हैं एक एरिया पे जिसका नाम है हरि के व्यास। व्यास नदी देखे तो ये कहाँ से निकलती है, ये भी इसका ओरिजिन किससे होता है, रोहतांग पास से ही होता है। ओरिजिन हो गया रोहतांग पास से। और उसके बाद में जो ये किसके अंदर ऐड हो जाती है, रोहतांग पास हो गया, ये हो जाती है सतलुज के अंदर ऐड। सतलुज और व्यास ये मिल जाती है। सतलुज निकलती कहाँ से, राक्षस ताल से निकलती हुई। सतलुज जो है वो किससे ओरिजिनेट, ये जो ओ सॉरी मानसरोवर लेक से नहीं होती, राक्षस ताल से निकलती है। पीछे शायद मैंने मानसरोवर बोल दिया, जो सतलुज होती है वो राक्षस ताल लेक से निकलती है, और ये इसके अंदर मिक्स हो जाती है। ये यहाँ पर चिनाव के साथ जब रावी मिली, इस प्लेस का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है मुजफ्फरबाद, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। और चिनाव और झेलम का झुंग है, और चिनाव और रावी का मुजफ्फराबाद, सतलुज और व्यास। जहाँ जिस स्थान, ये जो राक्षस ताल से होती होती एक दर्रा है, यानी एक पास है, वह है शिप किला। यानी ये जो सतलुज है पहले राक्षस ताल से आती है, फिर शिप किला पास में आती है। शिप किला पास से होती होती है, जो शिप किला पास है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने तीन पास देख लिए, बाला लाचा पास, एक रोहतांग पास, और एक ये शिप किला पास। ये तीन से शिप किला पास से होती होती कहाँ आती है, फिर पंजाब में आती है। और पंजाब में ही सतलुज और व्यास मिल जाती है। सतलुज और व्यास जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसका नाम है हरि के। यानी व्यास जो है वो ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। अब जैसे जैसे सतलुज आ गई, अब सतलुज मिक्स हो गई चेनाब के अंदर। तो जब सतलुज और चेनाब मिल जाते हैं, तो उस स्थान का जो नेम है, उस प्लेस का जो नेम है, वो है ये मिथन कोट, पाकिस्तान। ये मिथन कोट में आके मिल जाती है। बात देखते हैं, तो अब तक जितनी हमने जो ये रिवर देखी उसके अंदर क्या था, कि जो हमने देखा कि झेलम रिवर, झेलम देखी, रावी, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, इंडस, ये इतनी रिवर देखी, इन सभी के ओरिजिन देखे। और ये जब आपस में मीट होती है तो वो कौन कौन से पॉइंट पे मीट होती है, हमने ये देखा। जैसे कि अगर हम देखें कि झेलम और चिनाब, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी हुई होती है। उन दो धाराओं का क्या नाम है, चंद्रा प्लस भागा।
चंद्रा प्लस भागा जो होती है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है जिसका नाम है तंडी। उधर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, वो भी है चेनाब। चेनाब बहती है, उसके बाद में चेनाब नदी आ गई। चेनाब नदी आती है, ऊपर से आती है झेलम नदी जो पीओके से बहकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हुई आती है, जो चेनाब में मिक्स हो जाती है। तो ऊपर से आई चेनाब के साथ झेलम, और उस स्थान को बोलते हैं झूंग जहाँ पर ये दोनों मीट करती है। और नीचे से रावी नदी, रावी नदी और चेनाब नदी, इस स्थान को क्या बोलते हैं? इस स्थान को बोलते हैं मुजफ्फराबाद। स्थान को बोलते हैं मुजफ्फराबाद। तो ये चेनाब हो गई, इसके ऊपर से आई झेलम और नीचे से आई रावी। रावी नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पास होता है जिसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास से तो वैसे दो नदियाँ ओरिजिनेट होती है, एक तो होती है हमारी रावी नदी, दूसरी होती है ब्यास नदी। ब्यास तो मिल जाती है सतलुज के साथ, और रावी नदी मिल जाती है डायरेक्टली किसके साथ? चेनाब के साथ। सतलुज बाद में चेनाब के साथ मिलती है। और जब ब्यास और सतलुज मिलते हैं तो इन दोनों के, ब्यास और सतलुज, ये जो ब्यास है वो ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ब्यास और सतलुज के स्थान पे मिलते हैं पंजाब के अंदर हरी के नाम है। और यही सतलुज किसके अंदर जाके मिल जाती है? चेनाब के साथ। और चेनाब और सतलुज जिस स्थान पे मिलते हैं वो है मिथनकोट। ये सारी हमने नदियाँ देखी है। और ब्यास के अंदर ही जो कुल्लू घाटी, ये जो है यही है कुल्लू मनाली, यहीं से कुल्लू घाटी कुल्लू मनाली यही है। और उसके बाद में जो ब्यास है उसका ऑल नेम जो विपासा है, ऑल नेम विपासा। उसके बाद में ये पांच रिवर और हैं। सबसे पहले आती है गिलगिट रिवर। ये पांचों ही रिवर जो हैं वो ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये पांचों ही पांचों नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से ओरिजिन होता है। उसके बाद में आते हैं श्योक। श्योक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? फिर से इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी और है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? वो है नुबरा। नुबरा नदी है श्योक की ट्रिब्यूटरी, नुबरा। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। एक हिंदू काबुल नदी आती है हिंदू कुश माउंटेन से, ये ओरिजिन होता है काबुल नदी का, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बहती है। और फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया इंडस के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये काबुल नदी किसकी है? ये है इंडस की। और उसके बाद में आता है स्वात रिवर। स्वात रिवर क्या होती है? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? काबुल की ट्रिब्यूटरी है, यानी ये काबुल में जाके मिलती है। तो स्वात रिवर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में बहती है। और वाटर यूज़ कर, इसका ज़्यादातर वाटर किस में यूज़ किया जाता है? इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। स्वात घाटी वो पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी यानी वैली पाकिस्तान का स्वर्ग। उसके बाद में आते गोमाल रिवर। इसकी जो ओरिजिन होती है वो थे सुलेमानी रेंज, सुलेमानी रेंज। ये ट्रिब्यूटरी है सिंधु की यानी इंडस की। और इसकी दो ट्रिब्यूटरी और है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कुंधार और झोंक, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरी है। मैप में देखते हैं, ये रहा मैप। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने नदी देखी थी वो कौन सी थी? गिलगिट। इसके अंदर सारी रिवर है। ये स्वात हो गई, ये यहाँ पर गिलगिट हो गई, सबसे पहले गिलगिट। गिलगिट के बाद कौन सी आ रही है? ये यहाँ पे श्योक रिवर। श्योक के अंदर ये देखो ये नुबरा गिरी है, तो ये हो गया, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। गिलगिट हो गई, श्योक हो गई। उसके बाद में आती है काबुल रिवर। ये काबुल रिवर हो गई जो यहाँ से आ रही है, ये इसके अंदर। उसके बाद में गुवाल रिवर हो गई। ये सारी इंडस के अंदर मिक्स होती है। तो ये वो पांच नदियां हैं जो मिथनकोट में आके पाकिस्तान के अंदर मिक्स हो जाती हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर वो इंडस की ट्रिब्यूटरी बनाती हैं। ओवरऑल अगर हम जितनी भी अभी तक हमने की है, अगर हम उसका मैप देखें तो वो ये है। यहाँ से ग्लेशियर हो गया, ये जो रोहतांग पास है ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। जो इंडस रिवर है, दो इंडस जो रिवर है वो दो धाराओं यानी दो
श्रेणी के बीच में बहती है, यानी एक तो तेजास्कर रेंज और ऊपर है लद्दाख रेंज। ऊपर आएगी लद्दाख रेंज और नीचे आएगी जास्कर रेंज। लद्दाख और जास्कर यानी इनके बीच में जो होती है ना, वो इंडस बहती हुई आगे जाती है। और उसके बाद में हमने मेजर जो है वो चिनाव नदी देखी। चिनाव नदी किस लिए फेमस है भाई? चिनाव नदी में घड़ियाल देखने हो तो चिनाव नदी का बहुत अच्छा देखे जा सकते हैं। फिलहाल तो इसके अंदर डॉल्फिन्स की काफ़ी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है अभी हाल ही में। और चिनाव नदी के ऊपर ही सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा वो जो पुल बनाया जा रहा है, ये यहाँ से रावी आ गई, सतलुज आ गई, पीर पंजाल के अंदर यहाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में मिल जाती है। इसका अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ ये इंडस रिवर हमें दिखाई देगी। इंडस के बाद में ये ब्यास हो गई, ये सतलुज हो गई, रोहतांग पास हो गया, बाड़ालाचा पास हो गया, वैरीनाग झील से निकलती हुई कौन सी नदी आती थी? झेलम, ये रही झेलम नदी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हुई यहाँ चिनाव में मिक्स हो जाती है। ये चिनाव का झूम हो गया, ये रावी का, ये जो गया क्या नाम था इसका, मुजफ्फराबाद हो गया। उसके बाद में सतलुज हो गया, सतलुज का क्या नेम था? मिथनकोट था। सतलुज के अंदर फिर से एक नदी मिलती है, ये ब्यास है। सतलुज के अंदर जब ब्यास मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हरी के बोलते हैं पंजाब के अंदर। तो ये हमने रिवर्स के बारे में देखा कि कौन सी नदी कहाँ किसकी क्या ट्रिब्यूटरी होती है। मेजर इसमें ट्रिब्यूटरी का आता है कि कहाँ इसकी कौन से स्टेट वाइज में, और ट्रिब्यूटरी क्या है, किसका क्या ओरिजिन है, ये आता है। नेक्स्ट क्लास में हमने अभी हिमालयन रिवर का पढ़ा है, हिमालयन रिवर की इंडस पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बची हुई दो यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र वो देखते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज का रिवर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है ब्रह्मपुत्रा रिवर। हमने इंडस रिवर यानी सिंधु नदी का कर लिया था, करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर का। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर हमने चेमा युमलुंग ग्लेशियर देखा तो उसके अंदर तीन पॉइंट देखे थे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस वाले पॉइंट का क्या नेम था? बोकरचू, जहाँ के लाल श्रेणी पड़ती है। ये है मानसरोवर लेक और ये वाला था राक्कस ताल। यहाँ से तो निकलती थी इंडस, यहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्रा और यहाँ से राक्कस ताल से निकलती है सतलुज। तो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर देख रहे हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो गया? इसका ओरिजिन हो गया मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक हो गया और ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है? ये करेगी तिब्बत वाले एरिया में, उसके बाद में आएगी इंडिया, फिर जाएगी ये बांग्लादेश। तो इसके अलग अलग नेम है, जैसे तिब्बत या चाइना में इसे सांगपो रिवर कहा जाता है, सांगपो रिवर। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और इंडिया की बात आएगी तो इंडिया में जैसे ये सबसे पहले एंटर करती है, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ एंट्री करती है। जैसे ये यहाँ एंट्री करती है तो इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का क्या नाम है? यहाँ पड़ता है एक पास, यांग या पास, यांग या पास पड़ता है। यहाँ से ये एंटर करते करते इसके बाद कौन सी स्टेट आती है? असम आती है। ये असम में आती है और असम का जहाँ पे ये एंट्री करती है उसका नाम है सदिया। सदिया से आती होती, जैसे जैसे आसाम से होकर जब ये एग्जिट करती है तो एग्जिट करने का जो प्लेस है जिस पॉइंट से एग्जिट करती है उसका नाम है डुबरी। और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग रिवर कहा जाता है, दिहांग रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ कहा जाता है? जब भी असम वाले क्षेत्र में आ जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। यानी इसके अदर नेम में क्या है? तिब्बत में तो सांगपो, चाइना तिब्बत सांगपो रिवर कहा जाता है। उसके बाद में बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और इंडिया के अंदर जब भी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो यांगा पास से होकर गुजरती हुई आगे आती है तो इसे दिहांग रिवर कहा जाता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके आसाम में आती है तो उस पॉइंट को सदिया कहा जाता है और इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का मैप है। ये यारलुंग ग्लेशियर, ये यारलुंग सांगपो इस रिवर का अदर नेम, ये यहाँ एंट्री की है। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्रा हो गई और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है टोटल वो है
2900 किलोमीटर, ये यहाँ से लेकर जितनी भी इसकी लेंथ है 2900 है, तो इसकी इंडिया के अंदर कितनी लेंथ है? इंडिया के अंदर इसकी लेंथ है 917 किलोमीटर, इतनी लेंथ ये कवर करती है। इसके बाद में सुंदरवन डेल्टा बनाती है ये नदी, दो नदी मिलके बनाती है वैसे तो, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये दोनों जब धाराएं मिलती हैं तो एक धारा निकलती है, वो है मेघना नदी की, यही क्या है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, बांग्लादेश में ये रही पद्मा, और ये है जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, ऊपर से ये ब्रह्मपुत्र आ गई, जो आते ही इसका नाम हो गया जमुना, और ये गंगा, गंगा यहाँ के हो गए पद्मा। इन दोनों ने मिलकर एक बनाई है संयुक्त धारा जो है मेघना नदी, जो सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यहाँ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, मैनग्रोव के पेड़ मिलते हैं, उनकी लकड़ियाँ इतनी अच्छी होती है कि वो पानी में गलती नहीं है, और इसी वजह से उनकी जो लकड़ियाँ हैं उनका यूज़ किया जाता है शिप्स वगैरह, बोट वगैरह बनाने में। उसके बाद में आती है एक लोहित रिवर। लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये ब्रह्मपुत्रा हो गई, तो इसको ज्वाइन करके इसी के साथ बह जाना, ये होगी ट्रिब्यूटरी। ये लोहित रिवर है। लोहित रिवर जो है जब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ आ गया हमारा सदिया, यानी वो पॉइंट, सदिया के बाद कौन सी स्टेट स्टार्ट हो जाएगी हमारी? आसाम। तो ये आसाम में आके इसको ज्वाइन करती है, और आसाम के कौन से पॉइंट पे ज्वाइन करती है उसका नाम है पासीघाट। पासीघाट में जो ये रिवर होती है इसके अंदर इतने ज़्यादा रेड सेडिमेंट मिलते हैं कि इसका नेम, एक नया नेम आया है जिसका नाम है ब्लडी रिवर। ब्लडी रिवर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेड सेडिमेंट होते हैं, ये रेड सी कलर की होती है। उसके बाद ये ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना रखा है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये जो ब्रिज है वो किन को कनेक्ट करता है? एक तो सदिया और दूसरा नाम है ढोला। जो सदिया है वो तो आसाम का है और ढोला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इसका मतलब ये जो ब्रिज है दो स्टेट को ज्वाइन कर रहा है, दो, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, और सदिया और ढोला दो प्लेस को ज्वाइन कर रहा है। तो इस ब्रिज का एक नाम और है, सदिया डोला ब्रिज, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर, इतना ये ब्रिज लंबा है। मैप में देखें तो ये ब्रह्मपुत्र है, इसके अंदर ये जो नदी है ये लोहित है, ये रहा भूपेन हजारिका ब्रिज, और ये इसको सदिया ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये जिस एरिया पे मिलते हैं उसे पासीघाट कहा जाता है। पासीघाट हो गया, दो स्टेट्स को जोड़ती है, अरुणाचल प्रदेश को और आसाम को। इसके बाद में आता है सुबनसरी रिवर। सुबनसरी रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है इसका ओरिजिन, तिब्बत से ओरिजिन होता है। तो ये फ्लो कहाँ कहाँ करेगी? तिब्बत में तो करेगी ही करेगी। उसके बाद में इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लो करती है? अरुणाचल प्रदेश और आसाम, यहाँ ये फ्लो करती है। ये ज्वाइन कर लेते, ये होगी सुबनसरी रिवर, इसने ज्वाइन कर लिया ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी सुबनसरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर की क्या हो गई? ट्रिब्यूटरी हो गई। इसने इसको यहाँ ज्वाइन कर लिया। ये जो ज्वाइन है ये आसाम में ज्वाइन करती है, और इस पॉइंट का क्या नेम है? इस पॉइंट का नाम है लखीपुर। तो सुबनसरी रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और आसाम में ये इसको ज्वाइन करती है। जो ये सुबनसरी रिवर है ये यहाँ पे, और यहाँ पर दो पहाड़ियाँ पड़ती है, यानी ये फ्लो करती है, फ्लो बिटवीन दाफला एंड मिरी।
इन दो पहाड़ी के बीच में फ्लो करती है, यानी यहाँ एक पहाड़ी है, यहाँ एक पहाड़ी है, इसके बीच में ये बहती है, डाफला और मीरी के बीच में ये बहती है। उसके बाद में आता है माजुली रिवर आइलैंड। माजुली रिवर आइलैंड क्या है, ये बनाती कौन सी रिवर है? मेड बाय ब्रह्मपुत्रा। और इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड इन आसाम, ये आसाम में लोकेट है। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहा जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वो है माजुली रिवर आइलैंड। लेकिन अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर ना बोलकर सिर्फ आइलैंड बोला जाए तो वो है ग्रीनलैंड। ये है रिवर आइलैंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, और ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट देखें सिर्फ आइलैंड में, तो वो है ग्रीनलैंड। और 2016 में इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और इसको एक एक तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, दूसरा एक इसे स्टेट घोषित किया गया, सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, इसे एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया 2016 में। दो काम किए, एक तो गिनीज वाला और एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। यानी ये 2016 से पहले किसका भाग था? 2016 से पहले ये किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था? वो था जोरहाट। 2016 में इसकी आबादी को देखते हुए इसे अलग सा ही डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद में ये चार रिवर है, मानस रिवर, तिस्ता रिवर, गंगा रिवर और ब्राह रिवर। जो मानस रिवर है ये भूटान की साइड से ओरिजिनेट होती है, भूटान। तिस्ता रिवर कहाँ से होती है? जम्मू ग्लेशियर। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से होती है। और बराक जो रिवर है ये नागालैंड से होती है। ये मानस जो है किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। तिब्बत भी ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, गंगा भी ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है और बराक भी ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। जब मानस और ये तिब्बत ब्रह्मपुत्रा जब जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसका जग्याउपा, जग्योप्या नाम है उस जगह का। और जहाँ पर तिस्ता नदी मिलती है वो फुलचोरी नाम है, उस जगह का नाम फुलचोरी। उसके बाद में जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है ये मिलती है बांग्लादेश में जाके, और बांग्लादेश में ये जब दोनों मिल जाती है तब बन जाती है मेघना नदी। और बराक रिवर जो है ये नागालैंड के जवदुआ हिल, जवदुआ हिल से निकलती है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? ये पहले नागालैंड से निकलती है, नागालैंड के बाद में ये जाती है मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद आसाम, और फिर ये मेघना को, एक्चुअल में तो ये मेघना को ज्वाइन कर लेती है। और मेघना के पास ज्वाइन करने के बाद जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जहाँ जिस जगह पे बनता है उस जगह का नाम क्या है? चांदपुर। तो ये चांदपुर जगह पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, जिसका साउथ पार्ट वेस्ट बंगाल में यानी हमारे हिस्से में है, बाकी बांग्लादेश के पास है। इसके अंदर ये ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके अंदर ये लोहित रिवर, उसके बाद में ये मानस, ये तिस्ता और ये बराक, ये चारों ने इसको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हम मानस देखते हैं। मानस तो ये वाला, मानस वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये जग्योप्पा हो गया। तिस्ता ने जहाँ इसको ज्वाइन किया वो फुलचोरी नाम हो गया। और गंगा और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तो हो गए उधर बांग्लादेश की तरफ। और बराक ने किसको चेंज उस किसको ज्वाइन किया था? मेघना को किया था। तो ये हो गई बराक रिवर। उसके बाद में एक ब्रिज और आता है, बोगीबील ब्रिज। ये भी कहाँ लोकेट है? ये आसाम में लोकेट है। लोकेटेड इन आसाम। आसाम में लोकेटेड है। और ये भी किनको? दो ब्रिज है तो दो जगहों को कनेक्ट करेगी। पहली कौन सी जगह कनेक्ट करती है? डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ और धीमाजी,
इन दो जगह को कनेक्ट करती है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ दो चीज़ें, नेशनल हाईवे इसी ब्रिज के ऊपर और एक रेलवे लाइन। नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन इसी ब्रिज के ऊपर है। तो हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर देखी, उसकी जो हमने ट्रिब्यूटरी देखी, माजुली रिवर आइलैंड देखा। तो जब ब्रह्मपुत्रा है, सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हो गए, इंडिया में आते हैं। इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जिस पॉइंट से एंटर करती है उसको कहा जाता है यांग या पास। यांग या पास से आती है, फिर ये जाती है आसाम, और अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है, दिहांग रिवर। और अरुणाचल प्रदेश के जिस आसाम के जिस पॉइंट पे ये आती है वो है सदिया पॉइंट। सदिया से ये एंटर करती है और आसाम, और फिर ये बाद में एग्जिट हो जाती है। एग्जिट किस पॉइंट से करती है, डिब्रू धुबरी, धुबरी से करती है, और आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। फिर ये जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है इसको। और हमने इसके बाद में इसकी लोहित रिवर देखी, जो ब्लडी रिवर के नाम से, और इसी के ऊपर कौन सा ब्रिज बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ। उसके बाद में हमने सुबनसरी, सुबनसरी रिवर देखी, और फिर उसके बाद जो डाकुला और मीरी पहाड़ी के बीच में है, उसके बाद में धनशरी रिवर, एक धनशरी रिवर भी है। नागालैंड से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, ऊपर से होती है धनशरी जो ब्रह्मपुत्रा को ओरिजिन ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, धनशरी, और नीचे से बराक। जो धनश्री है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। और लोहित और ब्रह्मपुत्र, जब लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, तो इनके बीच में एक रिवर और है जिसका नाम है दिवांग रिवर। दिवांग रिवर जिसका ओरिजिन होता है मिसमी पहाड़ियों में से, मिसमी पहाड़ी से जिसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में हमने माजुली रिवर आइलैंड देखा था, मानस रिवर, तिस्ता रिवर, इनके ओरिजिन देखे थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिवर, गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार जाती है, फिर ये झारखंड के साथ बॉर्डर से बिल्कुल टच होते हैं, यानी बॉर्डर, वो साहिगंज एक जगह का नाम है, बॉर्डर के साथ जाती है, और ये वेस्ट बंगाल में जाती है। ये पांच स्टेट, इंडिया की पांच स्टेट में जो है ये रिवर जो है जाती है, फाइव स्टेट। ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज मतलब पांच स्टेट में तो ये जाती है, लेकिन कितनी स्टेट इसका पानी का जो है वो फायदा उठाती है, यानी कितनी स्टेट्स में इसका पानी का यूज किया जाता है, वो है 15 स्टेट्स। लगभग 15 स्टेट्स में इसका पानी का ड्रेनेज एरिया है, और जो कि 26.72% कवर करता है, गंगा वाटर को यूज़ करने वाले इतनी स्टेट्स हैं। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, लॉन्गेस्ट रिवर है तो इसकी कितनी है, 25 25 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ हो गई। और ये एक सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। सेल्फ प्योरीफाइंग का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिसमें इतनी क्षमता होती है, जितनी एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, इट किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। रिसर्च से ये पता लगा है कि ये गंगा रिवर में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि गंगा जो रिवर है उसके अंदर ऑक्सीजन की, डिजोल्व ऑक्सीजन यानी अमाउंट ऑफ डीओ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया है ये भी ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से, या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, बैक्टीरिया ज़्यादा, तो ये वायरस ज़्यादा तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और यहाँ पर डॉल्फिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ डीओ जो है वो कम होता जा रहा है ड्यू टू पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से जैसे जैसे ये कम हुआ वैसे वैसे वायरस कम हुआ, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया भी मिलने, इसी की वजह से जो है इस रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ये मैली हुई हुई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत
कोशिश की है कि इसको साफ करने की। अभी फिलहाल इतना ही है कि इसकी क्वालिटी को बेटर किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत ज़्यादा गंगा के लिए प्लान लगाए गए हैं। ये गंगा रिवर है, ये यहाँ पे दो धाराएं निकलती हैं, फिर बाद में ये गंगा रिवर यहाँ से होती हुई यहाँ तक, इसका एरिया ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2525 किलोमीटर लॉन्ग ये गंगा रिवर का सिस्टम है, ड्रेनेज एरिया। इसके बाद में प्रयाग, प्रयाग होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ दो नदी मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं प्रयाग के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दो, ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर वाला, यहाँ हो गया सतोपंत, यहाँ से भी स्ट्रीम निकलती है, उसका नाम क्या है, भागीरथी। और जो यहाँ से स्ट्रीम निकलती है उसका नेम है अलकनंदा। और जहाँ पर ये दोनों मीट होती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग, यहीं से ही गंगा नाम पड़ता है, देवप्रयाग से। तो गंगा जो रिवर है, दो, भागीरथी और अलकनंदा, जब उनकी एक मिक्स करके आती है, एक स्ट्रीम निकलती है, वही गंगा होती है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है, देवप्रयाग से आगे बढ़कर। उसके बाद में यहाँ पर जो अलकनंदा है, इसको, इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रीम है, इसके अंदर प्रयाग पड़ते हैं। सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, यहाँ पर पड़ेगा विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पर पड़ता है सेकंड नंद प्रयाग, और यहाँ आता है कर्ण प्रयाग, और यहाँ आता है रुद्र प्रयाग, और लास्ट का देव प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, ये जो प्रयाग है, और यहाँ पर आएगा देव प्रयाग। ये जो प्रयाग है, जो विष्णु प्रयाग है, उसके अंदर से तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा ज्वाइन करती है अलकनंदा को, धौली गंगा। और जो नंद प्रयाग है, इसमें आती है नंदाकिनी, नंद से नंदाकिनी। और रुद्रा में आती है पिंडर, पिंडर रिवर आती है। और कर्ण, सॉरी, नंद में आ गई नंदाकिनी, कर्ण में आ गई पिंडर, कर्ण में आएगी पिंडर, हाँ ठीक है, और रुद्र में आएगी मंदाकिनी, मंदाकिनी, रुद्र में आएगी मंदाकिनी, और देवप्रयाग में तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों है। तो ये सभी किसके अंदर ऐड होती है, अलकनंदा, ये सभी जो है वो अलकनंदा में ही ऐड होती है। तो जब कर्ण प्रयाग देखा जाए तो नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में देखा जाएगा तो कौन सी आएगी, पिंडर, कर्ण में आएगी पिंडर। जैसे कि यहाँ पर है, ये हो गई भागीरथी, ये है गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी, ये है, ये रहा अलकनंदा, ये वाली यहाँ पर देवप्रयाग हो गया। उसके बाद में रुद्रा, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये धौली गंगा। उसके बाद में नंदाकिनी, पिंडर रिवर और मंदाकिनी, ये जो पांच प्रयाग है ये इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद में आते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर का हमने देखा कि यहाँ से और यहाँ से, इस जगह का नाम क्या था, देवप्रयाग, और ये था गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पर क्या था, सतोपंत, यहाँ आ गया देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे जाएगी रिवर, यहाँ हरिद्वार में ये प्लेन्स पे आ जाती है, हरिद्वार में ये प्लेन में आ जाती है रिवर, यहाँ पर यूपी में ये एंटर करती है। उस एंटर करने का जो
प्लेस का नेम है वो है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर यूपी का एरिया, ये आगे आगे चलती है ऐसे, यहाँ पर एरिया पड़ता है कन्नौज, ये गंगा रिवर आगे जा रही है, यहाँ पर उत्तराखंड की साइड एक नदी ओरिजिनेट होती है जो ऐसे यू टर्न लेके इसमें आती है, यानी ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, गंगा की। इस नदी का नाम क्या है, राम गंगा। और जो ये यू टर्न लेके यानी किसी से मिलके आती है, यानी ये जहाँ पर मीट होती है ये पिंजोर, यानी राम गंगा पिंजोर से होते हुए कन्नौज में आती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी देखी जाए तो गंगा की वो कौन है, राम गंगा। इसी के साथ यहाँ से यमयोत्री या बंदरपूछ, यमयोत्री या फिर बंदरपूछ से यहाँ से एक रिवर बिल्कुल गंगा के पैरलर चलती चलती आती है, इस रिवर का नेम है यमुना, यमुना रिवर है। यहाँ पर एक प्लेस है इटावा, इसके अंदर एक रिवर आती है जो इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है वो है चंबल। तो चंबल नदी जब इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है तो चंबल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिन का पॉइंट है जनापाऊ हिल, जनापाऊ हिल से ओरिजिनेट होके ये इटावा पे मिल जाती है। और चंबल रिवर की एक और जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी ट्रिब्यूटरी है शिप्रा। तो ये भी किसी जगह से ओरिजिनेट होती है, उस जगह का ओरिजिनेट का जो नाम है वह है कार्की पहाड़ी, कार्की हिल से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये शिप्रा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना। और यमुना आगे जैसे इटावा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लेस का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर में एक नदी आके इसके अंदर मिलती है वो है बेतवा। तो बेतवा जब इसमें मिलती है तो बेतवा भी कहीं से ओरिजिनेट होती होगी, बेतवा ओरिजिनेट होती है विंध्या माउंटेन, विंध्या माउंटेन से ओरिजिनेट होकर बेतवा इसे ज्वाइन कर लेती है हमीरपुर पे, किसको, यमुना को, यानी यमुना की चंबल बेतवा, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरियाँ। उसके बाद में यहाँ आती है एक नदी और आती है केन, केन नदी, ये भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और केन नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है कैमूर हिल से, कैमूर हिल से ओरिजिनेट होती है। और ये गंगा जो है कन्नौज से आगे आते आते यहाँ पर प्रयाग, ये यहाँ पर प्रयागराज आता है, यानी प्रयागराज के, प्रयाग के भी राज प्रयागराज, और ये दोनों यहाँ पर मीट हो जाती है, यानी यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है प्रयागराज में आके, उसके बाद गंगा आगे चलती है। तो यहाँ तक हम देखें तो गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी राम गंगा जो पिंजौर से होते हुए कन्नौज में आके मिल जाती है, गंगा एंटर करती है यूपी में, गढ़मुक्तेश्वर जगह का नाम है। और गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में आकर जब ये प्लेन्स पे चढ़ने लग जाती है जहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और सतोपन से अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलकर एक स्ट्रीम बनाते हैं तो वो गंगा की बनती है। उसके बाद में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी देखी जाए तो वो यमुना है, जो यमुना है वो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है। यमुना की तीन जो है ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, बेतवा और केन। चंबल की फिर से एक ट्रिब्यूटरी है वो है शिप्रा, और चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जनापाव, शिप्रा कार्की हिल, बेतवा विंध्या माउंटेन, और केन जो होती है, केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैमूर हिल से होती है। उसके बाद में केन ये जो यमुना है वो ज्वाइन कर लेती है गंगा को प्रयागराज पे, इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है प्रयागराज से, प्रयागराज से जब ये आगे बढ़ती है, प्रयागराज से आगे यहाँ पर आ गया, ये हो गया प्रयागराज, प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए जब ये आगे चलती है तो यहाँ पर एक जगह का नाम पड़ता है
गाजीपुर। गाजीपुर पे यहाँ पर एक रिवर इसको ज्वाइन कर लेती है, गोमती। गोमती गंगा को ज्वाइन, यानी गोमती जो है ट्रिब्यूटरी गंगा की कहाँ बनती है, इस जगह का क्या नाम है? गाजीपुर, गाजीपुर जगह का नाम है। तो गोमती नदी जो है ये यूपी में एक पीली भी, यूपी में एक फुलर लेक, लेक से ओरिजिनेट होने वाली कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा को ज्वाइन करती है, वह गोमती, और लेक है फुलर लेक। फुलर लेक से ज्वाइन होती है, फुलर लेक से ओरिजिनेट होती है और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है, गोमती नदी है। ये सब, ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट थी यमुना, ये है लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में यहाँ पर एक बिहार में छपरा, बिहार में छपरा एक स्थान पड़ता है जहाँ पर एक नदी आके मिलती है, वो है घाघरा। घाघरा नदी आके मिलती है। घाघरा जो नदी है ये दो जब स्ट्रीम आपस में मिलके आई थी उससे मिल बनी थी। दो स्ट्रीम यानी पहला पहली जो शारदा नदी या काली नदी, शारदा या फिर काली नदी, और जो दूसरी है वो घाघरा ही थी, घाघरा या कर्णाली। जब ये दोनों मिलके आई तो ये दोनों मिल कहाँ, किस पॉइंट पे मिल रही है? इस पॉइंट का नाम है बाराकी। बाराकी ये यहाँ से, फिर यहाँ पे छपरा पे गंगा को मीट करती है, यानी घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, एट छपरा प्लेस ऑफ बिहार। और जो ये शारदा नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मिलाप ग्लेशियर से। मिलाप ग्लेशियर से। उसके बाद में ये जो नदी है गंगा ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के यहाँ पर एक पटना, पटना जगह पड़ती है। यहाँ पर एक जगह का नाम है अमरकंटक। यहाँ से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, एक जाती है ऊपर की तरफ और एक आती है नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ जाती है वो है सोन नदी और जो नीचे की तरफ जाती है वो है नर्मदा। ये पेनिनसुला रिवर में आई, इसको वहाँ देखेंगे। सोन नदी है जो ऊपर जाती है जिसको पटना पे मीट करती है, यानी ट्रिब्यूटरी है इसकी। उसके बाद में आगे जाएंगे तो यहाँ पड़ता है सोनपुर। सोनपुर में नेपाल के बॉर्डर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है गंडक, जो इसको ज्वाइन कर देते हैं। नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में ये जब रिवर आगे बढ़ती है तो यहाँ पड़ता है बुरसेला, जगह का नेम है। यहाँ पर कौन सी नदी आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है यहाँ पर एक गोरिया धाम, गोराई धाम जगह पड़ती है, जिसके अंदर से 7 स्ट्रीम निकलती है, जिसके अंदर से 4 स्ट्रीम ऊपर चली जाती है और बची 3 स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम एक सिंगल स्ट्रीम बना के आती है जिसे कहा जाता है कोसी, और इसे ही जो है सोरो बिहार कहा जाता है। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, यहाँ आता है गोदारी घाट। गोदारी घाट, गोदारी घाट में दार्जिलिंग से इसके अंदर एक रिवर आती है, ये दार्जिलिंग से रिवर आती है महानदी। महानदी ये इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा बन के गिर जाती है। तो ये गंगा देखी हमने, ये रहा ये भागीरथी। ये भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री, और अलकनंदा सतोपंत, गंगोत्री सतोपंत, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल बंदरपूंच कहें या फिर यमुनोत्री, यहाँ से यमुना आती है इसके साथ। अब देखो यमुना की चंबल, यहाँ सिंध नदी भी इसको ज्वाइन करती है, लेकिन हमने इसकी मेजर मेजर देखी है, सिंध, बेतवा, कीन, टोंस भी इसको ज्वाइन करती है, सोन नदी भी इसकी है, और ये उसके बाद में राम गंगा जो पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में
यहाँ पर कोसी आ गया, ये इसके बारे में पद्मा इसका नाम चेंज हो जाता है उसके बाद में बांग्लादेश में आके। इसमें दिखाया, इसमें चंबल रिवर जो है इसकी भी दिखाई गई है कि कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारा मैप जो है वो गंगा का है, और अगर हम इसका सम अप करें तो हमें इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी देखी जाए, लार्जेस्ट, और एक आएगी लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट में आएगी यमुना, सॉरी लार्जेस्ट में आएगी गोमती, गोमती नहीं घाघरा, सॉरी घाघरा लार्जेस्ट है इसकी, घाघरा पीछे भी शायद गोमती का हो लेकिन घाघरा आएगी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। और लॉन्गेस्ट में कौन आएगी, लॉन्गेस्ट में इसकी आएगी यमुना, जो इसके पैरेलल होके ये यहाँ से है, ये पैरेलल होके इसको ज्वाइन कर देती है। ये ज्वाइन कौन से प्लेस पे करती है, गंगा प्लस यमुना कहाँ करती है, ये प्रिया देवप्रिया, वो सॉरी प्रयागराज, प्रयागराज में ये इसको ज्वाइन कर लेती है। और जो चंबल रिवर है ये जो है इरोजन करती है, ये दो इरोजन जो है दो टाइप का होता है, एक तो होगा गुली इरोजन और एक होगा लेयर्ड। गुली यानी जो नालीदार अपरदन करे यानी इरोजन करे वो गुली हो गया, जो लेयर में करे वो लेयर हो गया। जो चंबल रिवर है वो गुली इरोजन करती है, गुली इरोजन करती है तो यहाँ पर बहुत बड़े ऐसे ऐसी जगह सी बन जाती है जो चोर डाकुओं के लिए छिपने के लिए जगह होती है, ये बहुत बड़ी परेशानी में बनी हुई थी। और इन जो ये एरिया बन जाता है इनके इरोजन करने के बाद उसे बोलते हैं बैड लैंड, और हिंदी में कहते हैं बीहड़। तो चंबल रिवर बीहड़ का बनाती है। उसके बाद में चंबल रिवर जो है घड़ियाल के लिए यानी मगरमच्छ की तरह ही होता है, घड़ियाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस रिवर हमने ये, और इस रिवर में क्या होगा, तो ये हमने सारी रिवर देखी है इसकी, गंगा की हमने इंडस देखी, गंगा ब्रह्मपुत्रा, इन सभी की ट्रिब्यूटरी ओरिजन और इनकी कौन कौन सी कहाँ कहाँ इनकी जो ट्रिब्यूटरी मीट करती है किस प्लेस पे मीट करती है हमने ये देखी। नेक्स्ट क्लास में हम पेनिनसुला रिवर के बारे में देखेंगे।